खुजाबाद में समाजवाद समाजवादी पार्टी ने आरक्षण का बदलाव पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में दहन किया गया। सुरेंद्र उपाध्याय ने कहा, जो भी परिवार एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुका है, सरकार को चाहिए उसको दोबारा उसका लाभ न मिले। आरक्षण हर समाज तथा हर जाति के गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। पुत्र दहन में विनोद द्विवेदी, नाहा सिंह, प्रेमचंद, ब्रजेश गुप्ता, पुरुषोत्तम जोशी, गोविंद मैथिल, लक्ष्मण साह के, महेश उपाध्याय, नाहा सिंह, प्रशांत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। भूखा है, ये आरक्षण का पता भूखा गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय उन लोगों को आरक्षण दिया गया था जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अति गरीब हैं, वो 10 साल के लिया गया था। लेकिन इसका लाभ सिर्फ एक ही परिवार ले रहा है, जो शुरू से ले रहा है वही लेता आ रहा है। इसका लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो गरीब हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। संगठन का कहना ये है कि एक बार जिस परिवार को लाभ मिल जाए, दोबारा उस परिवार को लाभ न मिल के दूसरे परिवार को उसको मिले जो वास्तव में गरीब है। और इन राजनीतिक लोगों ने इस आरक्षण को 10 साल के लिए था पहले, बढ़ाते यार 70 साल होने जा रही हैं, फिर आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है। हर जाति में, हर समाज में गरीब व्यक्ति होता है। सरकार को चाहिए या तो आरक्षण समाप्त करे और अन्यथा सभी गरीब लोगों को दिया जाए, जो किसी समाज का हो चाहे किसी वर्ग का हो। क्योंकि गरीबी जात देखकर नहीं आती है, गरीबी किसी समाज में किसी धर्म पर आ सकती है। अतः आरक्षण सिर्फ गरीब को मिलना चाहिए। दूसरा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि गरीब समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने पैसे पर, सरकारी पैसे पर योग्य बनाया जाए, जिससे वो आरक्षण की तरफ नहीं देखें, सरकार की तरफ मुँह नहीं करें और अपने मेहनत के बल पर